चारों ओर देखा। किसे देख रहे हैं राम जी? देख रहे हैं कि माली काका कहाँ है। अब माली काका को क्यों ढूंढ रहे? अरे माली काका से आज्ञा ले ले तब तो बाग के भीतर जाएंगे, मर्यादा समझिएगा। राम जी फूल तोड़ने में भी पहले इजाजत चाहते हैं। बाग का मालिक तो सही मायनों में एक माली ही होता है, जो एक एक पुष्प को अपने बच्चे की तरह सहेजता है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया रुक क्यों गए, चलिए ना पुष्प लेते हैं। राम जी ने कहा, पहले आज्ञा तो ले ले मालिक से, पूछ तो ले कि आपकी इजाजत है क्या कि फूल हम ले लें। राघव जी फूल तोड़ने में भी पहले आज्ञा मांग रहे हैं। यहाँ पर तो हमें किसी के घर के बाहर गमले में फूल दिख भर जाए। रोज एक फूल से पूजा करते हैं, उस दिन 20 फूल से नीचे पूजा नहीं करेंगे। ये सत्य बात है। यहाँ फूल तोड़ने में परमिशन ली जा रही है, यहाँ घर का ताला तोड़ देते हैं भी नहीं सोचते। मनुष्य सोचता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, माला करता हूँ, फिर भी जीवन में कछु भजन का असर क्यों नहीं दिखाई देता। हमारे आपके जीवन के छोटे छोटे व्यवहार में कपट छिपा हुआ है, बड़ी बड़े सूक्ष्म रूप में। अब सोचिए, जैसे बड़े अल्प और साधारण तौर से आपके सामने रखूं, अपने घर अगर आप अपने यहाँ शैम्पू यूज करेंगे ना, आपके यहाँ शैम्पू की बॉटल हो, तो इंसान इतना सा निकालता है, जितने में झाग बन जाए वो रगड़ रगड़ के झाग निकालता है। और कहूँ दूसरे के घर चले जाए, डब्बा भर मिल जाए, 3 बार बाल धोता है। अब आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कपट है। ये आपके हृदय की वो भावना है जहां पर आपने सोच लिया हमारा माल थोड़ी ना खत्म हो रहा, दूसरे का जा रहा है तो उड़ा। अब ये क्या है? ये किसी सज्जन या साधु पुरुष के लक्षण नहीं हो सकते। ये कहीं ना कहीं हमारा फायदा हो जाए, दूसरे का नुकसान हो। तो अब ये है तो बड़ी छोटी सी चीज, 1 रुपए के पाउच की भी शैम्पू की बात हो सकती है, पर इस 1 रुपए के शैम्पू के पीछे भावना का दर्शन हो गया कि हमने किस विचार से वो चीजें करी है, भावना। और मेरे राघव जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपटे छल छिद्र न भावा। निर्मल मन के लोग ही मुझे पसंद हैं, ये प्रभु ने अपनी पसंद बताई। आपके यहाँ का कोई अपना आपको अपनी पसंद भी बता दे, ना पसंद भी बता दे, सब कुछ जान कर भी आप उसके ना पसंद की चीजें करते रहो, बताओ वो कब तक प्रेम करेगा आपसे, कब तक कर सकेगा? नहीं करेगा। एक साधारण इंसान की बात कर रही हूँ। राघव जी ने तो खुल के कहा, सुनो दुनिया वालों, मुझे निर्मल मन बड़ा पसंद है। ये पसंद है, ना पसंद क्या है? राघव जी ने कहा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कपट छल छिद्र ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इन चीजों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। जहां पर मनुष्य के हृदय में कपट आ जाता है, वहीं मनुष्य और भगवान के बीच कपाट तैयार हो जाता है। कपाट समझते हैं, दरवाजा। मैंने कल बहुत विस्तार में इसकी चर्चा की थी, द्वार और दीवार के विषय में। खोया हो ये तो फिर मिले, और रूठ ही ले मनाए, पर मिला रहे और ना मिले ता पर कौन बसाए। कोई चीज आपसे खो जाए तो मिल सकती है, कोई आपका अपना आपसे रूठ जाए तो मनाया जा सकता है, पर जो मन के भीतर बैठा है अगर उसे ही ना ढूंढ पाओ तो इस पे किसका वश चलेगा, बताइए। आपके मन के भीतर की चीज को आपसे बेहतर कोई नहीं तलाश कर सकता है, तो आवश्यकता है उसी निर्मल मन में ठाकुर के तस्वीर को निहारने की। राघव जी ने माली से आज्ञा ली, और मैं मिथिला पक्ष की बात कहूं तो माली ने साफ इनकार कर दिया। श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई है। राम जी सुनिए, क्या सुने? आपको बगीचे के भीतर नहीं जाने देंगे। क्यों? माली ने कहा, जादू बड़े तुम जानत
का टोना आज चली है। सुना है बड़े टोने टोट के आते हैं आपको, और कहीं कोई टोना टोट कर यहाँ बगीचे में कर दिया तब तो हमारा तो हो गया कल्याण। राम जी ने कहा हमें बताओ गुरुदेव के मंत्रों के सिवा हमें कछु टोना टोटका नहीं आता है। माली ने कहा इतना भी हमें अज्ञानी ना समझो सरकार, हमने भी सुना है किसी पत्थर पे पैर रखा वो स्त्री बन के उड़ गई। राम जी ने कहा तो वो तो दूसरी बात हो गई, ये बाग में आपको हमसे क्या खतरा। माली ने कहा सरकार अगर पैर के छूने से पत्थर पे असर हो गया तो हाथ के छूने से लकड़ी पे तो थोड़ा मोड़ा असर हो ही सकता है। इतने सारे पेड़ पौधे वृक्ष हैं लकड़ी के, कहीं आपने हाथों से छुआ तो ये सारे पेड़ स्त्री बन बन के उड़ते जाएंगे और एक समय पे बगीचा खाली। आई रही मिथिलेश की लाडली हमके ही भांति सो बातें बनी है, पग के पर से उड़ी गए पथरा और कर के पर से बिरवा उड़ी जई है। पैर से छुआ तो पत्थर उड़ गए, हाथ से छुओगे सरकार तो पेड़ तो उड़ ही जाएंगे। राम जी ने कहा एक काम करते हैं हाथ धो के आ जाते तब तो आपकी कोई समस्या नहीं होगी। माली ने कहा तब तो और बिकट समस्या। बोला क्यों? बोला आप जाएंगे हाथ धोने सरोवर में और सरोवर तक उतरने के लिए बनी है पत्थर की सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी से उतरते जाओगे बन बन के उन उड़ती जाएंगी, बगीचा तो तहस नहस हो जाएगा। अभी किशोरी जी आने वाली हैं और ऐसा बगीचा कहीं उजड़ा हुआ देख लिया हम क्या जवाब देंगे। माली से राम जी ने कहा तो भैया कछु तुम ही उपाय बता दो हम का करें। माली ने कहा देखो सरकार आपके पास है मंत्र और हमारे पास है महामंत्र, मंत्र ही मंत्र को काटता है, तो आपके इस टोने टोटके को हमारी मिथिला का एक महामंत्र ही काट सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी बताइए का है। माली ने कहा आप एक बार भाव से हमारी किशोरी जी की जय घोष कर दो ना, सारा वहीं पर मामला साफ, सारे टोने टोटके खत्म, सियाजू की जय बोल दीजिए एक बार। अब ये सुनते ही राम जी ने कहा हम किसी की जय, अरे क्षत्रिय हैं ऐसे ही किसी की जय जयकार थोड़ी ना करेंगे। माली ने कहा नहीं करेंगे तो खड़े रहिए हम भी भीतर नहीं जाने दें। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण बोल दो आप ही बोल दो। अब लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी ने बोल दिया बोलिए श्री राज किशोरी जू की, हमको तो आपका जय जयकार करने का मन कर रहा है, सांस लेने की जगह नहीं है पर सांस नहीं छोड़ रहे कि जयकारा लगा दे। एक बार नहीं ढंग से बोली बोलिए श्री राज किशोरी जू की। इतना भी अच्छा नहीं था कि आप अपने आप में खुश हो गए। लक्ष्मण जी ने बोला अब माली का करने का छोटे सरकार आप जाओ। अब राम जी ने कहा और हम, माली ने कहा आपने बोला है का जो आप जाओगे, जो बोला है वो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम अपने भैया के बिना नहीं जाएंगे। माली ने कहा तो आप भी बाहर ही रहो। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार काहे को मुसीबत पालते हो, भीतर ही भीतर तो 24 घंटे मैया की जय जय बोलते ही रहे, तो आज बाहर से बोल दोगे तो का बिगड़ जाएगा, बोल दीजिए। और हमारे मिथिलावासी कहते हैं राम जी ने किशोरी जी की जय घोष जब कही है तब जाके वहां बगीचे के भीतर उन्हें प्रवेश मिला है। मैं आपसे क्यों स्टार्टिंग में कथा के शुरुआत में ही सिया बोल का महामंत्र का जाप कराती हूँ, यद्यपि मैं देखती हूँ करते बहुत गिने चुने लोग हैं। हमें आपको लगता है ये तो अरे ये तो रोज वाली रूटीन वाली बात है, पर आप समझिएगा सिया बोल एक महामंत्र है। ये महामंत्र है जो हम संकीर्तन करते हैं। बगीचे के भीतर राघव जी जब पहुंचे हैं वो स्वामी जी लिखते हैं लगे लेन, फूल ले रहे हैं, लेंगे कब? जैसे अगर मैं आपको ये फूल दूं तो आप लेंगे, अगर ना दूं खुद से लेंगे तो एक होता अगर तोड़ा जाता तो होता कि फूल तोड़ रहे हैं, पर लिखा है फूल ले रहे हैं।
दे कौन रहा है, कोई तीसरा नहीं, हर एक वो डाली जिसके निकट से मेरे राघव जी गुजर जाते हैं, वो डाली खुद ब खुद झुकती है और उस डाली का फूल खुद ब खुद टूट के रघुनंदन के हाथों में आ जाता है। आज बगीचे के एक पौधे तक की ये भावना है, मेरे सरकार को कष्ट नहीं होना चाहिए। अन्यथा ऐसा भी समझ लीजिए कि हर एक फूल आज ये तो सोच रहा है, ऐसा ना हो कि मैं अकड़ के बैठा रहूं और सरकार मोए छोड़ के बाजू वाले ने तोड़ ले और चल ले। ये दूसरा वाला झुक के अगर पहुंच गया उनके हाथों में तो मेरा तो फिर यहाँ रहना ही बेकार हो जाएगा। तो भैया कोई और आ गए आकर ये स्थान ले ले, उससे बढ़िया हम खुद ब खुद टूट जाए। एक ना एक दिन तो सबको टूटना ही है, टूटना है कि नहीं है, बोलिए हाँ या ना। पाछे वाले कौन से संसार में हो, एक दिन सबको टूटना है कि नहीं। समय आपको तोड़े इससे बेहतर है कि खुद ब खुद अपने मन को, मन के अभिमान को तोड़ करके प्रभु के चरणों तक पहुंच जाए। फूल हमें जीना सिखाते हैं। ये जो आप फूल देखते हो ना, ये फूल भी जिंदगी जीने की बहुत प्यारी कला सिखाते हैं। फूलों का अगर आप जीवन काल देखिए, तीन स्थिति फूलों के जीवन में आती है, एक कली, दूसरा खिला हुआ पुष्प और तीसरी मुरझाई हुई पंखुड़ी। ये तीन चीजें, तीन यह पूरे जीवन का समय आता है पुष्प के जीवन में। आपको नहीं लगता यही तीन वेला हमारे भी जिंदगी में आती है, कली अर्थात बचपना, खिला हुआ पुष्प यानी कि युवानी और मुरझाया फूल यानी बुढ़ापा। आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल और देखी दशा यों फूल की, फिर क्यों फिरता फूल। संतों ने बहुत अच्छी बात कही, पुष्प आज खिलता है, शाम तक थोड़ा झुकता है, अगली सुबह टूट कर गिर जाता है। सबके जीवन की यही तीन गति है। तो सौभाग्य और सद्भाग्य की बात क्या है कि अपने युवानी के समय में ही सरकार के चरणों में खिलकर अर्पण हो जाओ। ये पुष्प खिले हुए हैं, आज ठाकुर जी के गले में पड़े हुए हैं, कल को ये मुरझा जाएंगे तो हम आप इसको कहीं नदी में प्रवाहित करके चले आएंगे। ये हम सबके जीवन के साथ भी होना है। चातक को किलकीर चकोरा, उस बगीचे में पक्षी हैं। अब आप गिनती करिए जरा अपनी उंगलियों पर कितने पक्षी हैं। चातक को किलकीर चकोरा, कितने हुए, कितने हुए, ए उंगली दिखा रहे हो, सुनाना दे रहा है मुझे। अच्छा चार, हाँ ठीक है, चार हो गए। ये चार पक्षी कौन हैं जानते हैं? ये चार पक्षी मात्र नहीं है, ये चार प्रकार के भक्त हैं जो आज भक्ति और भगवान के प्रथम मिलन के दर्शन के लिए आए। ये चार प्रकार के भक्त हैं। हम आप इतने लोग जो बैठे हैं ना, हम में से भी उन्हीं चारों में से कोई एक होंगे हम शायद। ये चार हैं पर एक पांचवा भी है, पर पांचवे की चर्चा लास्ट में करूंगे, अभी चार पर चर्चा करते हैं। चार पक्षी हैं, चार प्रकार के भक्त। अब ये चार प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये कितने हुए? चार। अब आर्त का मतलब समझिएगा, आर्त का सीधा सा एक सरल अर्थ है दुख। आर्त भगत का अर्थ दुख पड़ा और भगवान के भजन में लग गए, ये होते हैं आर्त भक्त। दुख आया फिर ओम जय जगदीश हरे, सुख आया फिर भगवान गए, फिर दुख आया फिर भगवान, फिर सुख आया गए भगवान, ये होते हैं आर्त भक्त, जो केवल दुख दुख में भगवान को याद करते हैं दुख पड़ने पर। अर्थार्थी, अर्थ जानते ही है, जो अर्थ की कामना लेकर के भगवान का भजन करते हैं वो है अर्थार्थी भक्त। जिज्ञासु, जो भगवान को जानने के लिए उनसे जुड़ते हैं वो हैं जिज्ञासु। और ज्ञानी, जो भगवान को जान चुके हैं वो होते हैं ज्ञानी भक्त। पर मैंने आपसे कहा वहां पांच हैं। ये चार प्रकार के भक्तों ने जब भगवान को देखा, कोई बतिया रहा है, कोई देख रहा है, कोई निहार रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, पर एक पांचवा भगत था, वो कौन था? वो था मोर, मोर पक्षी।
और मोर क्या कर रहा है, ना मात्र देख रहा है, ना बतिया रहा है, ना निहार रहा है, ना मुस्कुरा रहा है। मोर ने क्या किया, ये प्रेमी भगत है, ये पांचवा प्रेमी भगत है। और जब प्रेमी भगत ने अपने भगवान को देखा, मोर ने अपने पंखों को खोला और राघव जी को देखते ही पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। जब मोर नाचा, मोर के पंख टूटकर धरती पर गिरे। लखनलाल ने वो मोर पंख उठाया, मस्तक पर राघव जी के मुकुट शोभ रहा था, उस मुकुट के ऊपर जाकर वह मोर पंख लगा दिया। आज कृष्ण जी को बजाए मेरे राम जी भी आज मोर पंखधारी बने हैं, मस्तक पर विराजमान कराया है। अब बड़ा एक प्यारा भाव समझिए, भगवान कहते हैं ये जो चार भक्त हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, इन भक्तों को तो मैं अपने हृदय से लगाता हूँ, इनका भार मैं अपने हाथ में लेकर चलता हूँ, पर मेरा जो प्रेमी भगत है उसका भार मैं हाथों में नहीं, उसको तो मैं अपने सिर पर बिठाता हूँ और अपने सिर पर उसका भार लेके चलता हूँ। जो प्रेमी भगत होते हैं, प्रेम ढाई अक्षर का कहा जाता है कि शब्द है, मात्र ढाई अक्षर का। लिखने में शायद कुछ सेकंड लगे, पढ़ने में भी कुछ सेकंड लगे, पर इसे समझने में जीवन और निभाने में जीवन भी कम पड़ जाता है। प्रेम जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत किया ही नहीं, वो प्रीति निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, नहीं निर्मलता मन में आई, वो चाहे जितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना आगे बोलिए, भगवान को पाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधे है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, ये संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति किया ही नहीं, वो प्रीति निभाना क्या जाने। आज के समय में हमें वो लोग भगवान के होने या ना होने की सलाह देते हैं जिनके भगवान के भाव से भी कोई दूर दूर तक का वास्ता। जो प्रेम की गली में आया है वो आपको बता सकता है कि प्रेम की गली कैसी है। जो इस कथा पांडाल में आकर एक दिन बैठ चुका होगा वो बता सकता है कि उस कथा पांडाल में सुख है, दुख है, आनंद है, खुशी है, प्रसन्नता है, क्या है। और जो इस पांडाल में जीवन में कभी आया ही ना हो, बाहर से ही बैठे बैठे ज्ञान दे, ये कितनी अनुचित बात है। संतों ने कहा जो इस गली में आया ही नहीं, वो क्या जानेगा कि इस गली का सुख क्या है और इस गली का आनंद क्या है। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, क्या जाने। सारा संसार मीरा मैया से सखियां कहने लगी, अरे मीरा आपका विवाह हो चुका है, विवाहिता होने के बाद भी आप किसी और को अपना पति कहकर बुलाती हैं, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई। मीरा मैया ने कहा ये बताओ तुम्हारे पति तुम्हारे लिए क्या है। सखियों ने कहा हमारे लिए हमारे पति परमेश्वर है। मीरा मैया ने कहा तो मैं क्या गलत कर रही हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे पति ही परमेश्वर है और मेरे लिए मेरा परमेश्वर ही मेरा पति है, तो बताओ गलत क्या है।
तुम्हारे पति में तो एक दिन तुम्हें दुख मिलेगा। क्यों दुख मिलेगा? मीरा मैया कहती है, अरे ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, और वर वरिए गोविंद को मेरी छूड़ी अमर हो जाए। ऐसा वर ना वरू कि मुझे वैधव्य का कभी दुख ही ना भोगना पड़े, मैं ऐसे वर का चयन करूंगी। ये प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे वश की, यहां से देखे होते हैं सौदे, यहां से देखे होते हैं सौदे। ये आशिकी इतने सस्ते, ये तो प्रेम की बात है। उधो ये प्रेम की बात है, ये दिमाग वालों की समझ में आने वाला नहीं है। प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए हमें भी प्रेम मिल जाए। प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए ओ हमें भी प्रेम मिल जाए। जिसको प्रेम चाहिए ना, मुझे बड़े अचानक में ये याद आया है, तो सभी मेरे साथ कहिएगा। प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए हमें भी प्रेम मिल जाए। प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए ओ हमें भी प्रेम मिल जाए। मेरे बन जाए प्रभु हम उनके बन जाए, ओ हम भी उनके बन जाए। Thank you.
नाचे प्रभु के मस्त में जाए, ओ हम भी ऐसे बन जाए। मस्त में नाचे प्रभु की अभी बराती घराती वाले लक्षण ना नजर आ रहे हैं। बड़ा उत्साह उमंग आए तब तो लगे कि आज ब्याह आ गए हो। मस्ती में नाचे प्रभु की मस्ती में गाए ओंगी, हाँ प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए हमें भी। जिसको चाहिए जरा दोनों हाथ ऊपर करियो, ज्यादा चाहिए तो दोनों करियो, और एक चाहिए तो एक करियो, और कम चाहिए तो एक ना करियो, और ना चाहिए तो चले जाइए। प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए हमें भी, प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए प्रभु का, प्रेम मिल जाए हमें भी, प्रेम मिल जाए। मेरे बन जाए प्रभु हम उनके बन जाए, हम भी उनके बन जाए। मस्ती में नाचे प्रभु की मस्ती में गाए ओ हम भी ऐसे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच में कुछ अतिथि पधारे हैं और बहुत देर से भगवान की पावन कथा को श्रवण भी कर रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा कि आप सब मंच पर पधारें। सबसे पहले श्री कामता प्रसाद जी मालिक जी, आप मंच पर पधारें। आप दीदी जी का स्वागत करें और दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और पुनः स्वर्गीय नन्नूलाल पूर्व सरपंच के सुपुत्र आदरणीय श्री देवी प्रसाद द्वारा जो शाम का भंडारा होता है सायंकालीन, उस भंडारे की व्यवस्था आज के लिए की गई है। आप सभी खूब प्रसाद पाए। और उनके ही सुपुत्र भूरा भाई सेठ खजूरिया कला, आप मंच पर पधारें और दीदी जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और पुनः एक भक्त पधारे हैं हमारे सरपंच पूर्व सरपंच जी आदरणीय श्री गया प्रसाद जी। पूर्व सरपंच, आपने सियाजू के मंदिर के लिए 2 वर्ग जमीन का भी दान किया है और आप मंच पर पधारे। आप माता जी का स्वागत करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री सीताराम। बहुत ही अच्छा आप सबका यहाँ प्रबंधन है कथा के प्रति और बहुत ही सुंदर भाव है। नित्य यहाँ भंडारी की व्यवस्था कोई ना कोई अलग अलग संभालता है। पुनः आज के भंडारी की व्यवस्था श्री देवी प्रसाद द्वारा किया गया है और आप सब सायंकालीन भंडारे में खूब प्रसाद पाए। और जीवन में भगवान की सेवा, भगवान के भजन से की जाती है, भगवान के पूजन से की जाती है। और जो हमने परिश्रम करके धन अर्जित किया है, उस धन के दान से भी हमारा परलोक सुधरता है। इसलिए आप सब इस कथा में अपना खूब सहयोग दें, अपनी खूब सेवा दें। और सियाजू मंदिर के लिए दीदी जी के इस पावन संकल्प में भी अपना दान दे करके
अपना सहयोग अपनी सेवा दे करके माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करें। कल के भंडारे की व्यवस्था स्वर्गीय राम सिंह जी झलावा के पुत्र दिनेश जी मुकेश जी झलावा की ओर से किया गया है। रात्रि भोजन कल का और आपसे आग्रह है, आप मंच पर पधारें और दीदी जी का स्वागत करें, दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन को धन्य बनाएं। आज के भंडारे की व्यवस्था देवी प्रसाद जी द्वारा किया गया है और कल के भंडारे की व्यवस्था दिनेश जी मुकेश जी झलावा की ओर से है। आप सभी खूब भंडारे का आनंद प्राप्त करें और यज्ञ नारायण की सेवा कर जीवन को धन्य करें। आइए हम सब पुनः भगवान की पावन कथा में प्रवेश करें। जय श्री कृष्ण। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो हम चर्चा कर रहे थे राघव जी तो पुष्प वाटिका में उपस्थित ही है। इसी मध्याह्न आज मेरी मैया जानकी अपनी अष्ट सखियों के साथ सुशोभित होती हुई इसी फुलवारी में पधारी है। मैया का जब आगमन हुआ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, आज मैया जानकी को सुनेना अम्बा ने माँ गौरी के पूजन करने हेतु भेजा है। माँ जब पधारी है गोस्वामी जी ने वर्णन किया, ओ गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। तेही
वहाँ जब गई उसने लताओं के पीछे भगवान श्री राम जी के भैया लक्ष्मण के दर्शन किए। अब उसकी स्थिति कैसी है, आंख से रो रही है, मुंह से हंस रही है, ऐसी बावली सी हुई, शरीर कांप रहा, आंखों से आंसू बह रहे, नेत्र लाल हो गए। किसी तरह डगमगाती लड़खड़ाती आज पुनः आई माँ सीता के पास। मैया ने कहा, सखियों ने कहा, ये कैसी दशा बना ली है तूने अपनी, कुछ बोलती नहीं है, ऐसा लग रहा है किसी विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया है, कैसी हालत बना ली, क्या हो गया। अब वो सखी ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस एक बात कहती है, श्याम गौरे की मैं कहूं बखाने। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, अब इसके आगे क्या बताऊं। सखी ने कहा, जैसे ये बताया कि सांवले और गोरे हैं, वैसे आगे की बातें भी बता दो। बोली, वो नहीं बता सकती, बस ये समझो दो दो बहुत भारी चोर आए हैं। चोर? अच्छा, भगवान की कृपा किस बात में समझते हैं जरा बताइए। भगवान अगर हमें गाड़ी दे दे तो हमें लगता भगवान की कृपा है, हो गई, हमारा कारखाना बढ़िया चलने लगे तो हमें लगेगा आप भगवान की तो साक्षात कृपा हो गई हमारे, बढ़िया हमारे घर में खूब धन संपत्ति आने लगे, पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो लगता है बढ़िया भगवान की खूब कृपा हो गई। अच्छा सही बात देखिए, अगर हमें मिल रहा है तो भगवान की कृपा है, और अगर ले लिए तो फिर लगता कृपा खत्म, उसी समय खत्म। एक सत्य बात बताऊं, भगवान अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो ये कृपा है, और अगर आपसे कुछ ले रहे हैं ये उसकी अति कृपा है, ज्यादा कृपा, क्योंकि भगवान जब किसी को अपना बनाना चाहते हैं ना तो उससे दुनिया की सारी चीजें लेना शुरू करते हैं, देते नहीं है, देंगे तब तो मनुष्य उसमें उलझेगा, अगर ले रहे हैं मतलब वहां नहीं उलझाना चाहते, अपने में उलझाना चाहते हैं। तो जिस दिन आपसे अगर कुछ लिया जा रहा है तो समझना अब भगवान की कृपा डायरेक्ट हो रही है, अभी तक शायद कहीं से घूम फिर के आ रही थी, अब सीधी आ रही है, इसीलिए जा रहा है। अब ये सखी कुछ बोल ना पावे, बार बार पूछा तो कहती है, सुनो बस चोरी हो गया। अरे तो चुराया किसने, क्या चुराया? वो कहती है, दो चोर आए हैं, दो चोर पुष्प वाटिका में, और क्या क्या सामान चुराते हैं। बोला, सामान चुरावे तो खतरा ही का है, ये तो वो चुरा लेते हैं कि सामान का होश ही चला जाता है। वो क्या है? अरे सोने को घुमान गयो गोरे को विलो की सखी, और सांवले को देखी आज नीलम लजाए हैं। जब गोरे वाले को देखा तो सोने का अभिमान चला गया, जब सांवले वाले को देखा तो आज नीलमणि भी लज्जित हो गई। कौन है? भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई वे पे, युगल किशोर संग कौशिक जुलाए हैं। जनक जी के बुलावे पे विश्वामित्र जी दो किशोरों को लेकर आए हैं। अच्छा करते क्या हैं? अरे पूछो मत, हेरत हजारन के हीरा हरन किए, और लाखन के लोचन ये चित्त को चुराए हैं, और दौड़ी दौड़ी मिथिला की ये आली कहे आपस में, अरे चित्त को संभालो री पुरी में चोर आए। मन संभालो मन, क्योंकि ये सीधा मन पे हमला करते हैं। अब सोचिए किसी का मन चोरी हो जाए तो धन की चिंता बचती है क्या? फिर रह जाती है धन की चिंता। गोपियां कहती है ना, उधो मन न भये दस बीस, एक मन रहा सो गया श्याम संग, अब को अवराधे ईश, उधो मन न भये दस बीस। मन तो एक ही है। गोपियां क्या खिलाती थी कन्हैया को, जल्दी से बताइए, टाइम कम है, क्या खिलाती थी? माखन।
मक्खन मिश्री यही तो खिलाती थी आपको। एक बार जरा देखिए, क्या सच में केवल मक्खन खिलाती थी? वो तो हम भी खिला सकते हैं। पर गोपियों के इशारे पे भगवान नाचते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप मक्खन में से खा शब्द निकाल लो तो क्या बचेगा? मन। गोपियां मक्खन नहीं खिलाती थी, मक्खन के बीच में अपना मन डालकर सरकार को अर्पित करती थी। सरकार उनके मन के ऊपर रिझे थे, उनके मन के प्रेम पर रिझे थे। ये सखी कहती है, बताती, अरे क्या बताऊं, कौन है जरा परिचय तो दे दे, परिचय दे दे। अरे अवध नगरिया की पतली डगरिया से धीरे धीरे हुआ ए राम दोनों भैया के धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया के धीरे धीरे। Yeah.
सखी ने ले जाकर दर्शन कराया, मैया ने जब दर्शन किया, राघव जी को देखते ही मैया जानकी के हृदय में अपार हर्ष हुआ। दर्शन के उपरांत पुनः माँ वैदेही माँ गौरी के मंदिर में पहुंचे। एक बार पूजा करके जा चुकी है, पुनः गई, प्रार्थना करना प्रारंभ किया माँ गौरी के समक्ष। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख छंद चकोरी। परिवार की वंदना की, हे माँ आप राजा हिमाचल की पुत्री हैं, माँ आप भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, हे माँ आप गणेश कार्तिकेय की अम्बा जो हैं, हे माँ आप सबके उर अंतर में विराजमान रहती हैं, सबके मन की बात को जानती हैं, आप मेरे भी मन में बसती हैं, मेरे मन की बात भी जानती हैं, तो माँ मेरे मन की बात को अगर जानती हैं तो कृपा कर उसे पूर्ण करिए। मैं कहूंगी नहीं, और वास्तव में मैया जानकी ने कहा नहीं है। मैया गौरी इतनी प्रसन्न हुई, माँ के गले की माला जो पूजन के दौरान माँ जानकी ने पहनाई थी गौरी माँ को, वो माला खिसकी और किशोरी मैया के अंचल के निकट आकर गिरी। अगर आप कभी मंदिर जाएं, हम माला चढ़ाते हैं, अगर स्वतः पुजारी जी आपको अपने हाथ से भगवान के चरणों का कोई पुष्प कोई माला लाकर प्रदान करें तो समझिएगा पुजारी जी ने नहीं दिया है, मंदिर के बैठे भगवान ने भिजवाया है। और एक बात, जबरदस्ती मांग मांग के थोड़ी ना कृपा मिलती है।
हमने देखा है मंदिर जाते हैं जो माला चाहो पंडित जी माला पंडित जी माला माला अब पंडित जी चार जनता माला लेवे के तो है माला देवे माला अगर स्वतः मिल रही है ये प्रभु की कृपा आप पूजा करने बैठे हैं कोई पुष्प ठाकुर जी के समक्ष से आपके निकट गिर गया समझिए कि ठाकुर जी का आशीर्वाद आपको मिल गया। इस प्रकार का नहीं कई बार अगर आपके घर में ठाकुर जी हो श्रृंगार करते हैं आप कई बार होता है आप कोई माला पहनाने का प्रयास करते हैं नहीं बनती है माला पहनाती बार बार खुल जाती है बार बार गिर जाती है तो महानुभाव उस समय ये करना है ये समझना है कि आज ठाकुर जी की ये पहनने की इच्छा हम क्या करते टेप से चिपका देते पहनोगे कैसे नहीं हम पहनाए बिना रहेंगे ही नहीं सिल देंगे बांध देंगे टेप से चिपका देंगे आपको जबरन कोई गले में टांग दे अभी मैंने माला पहनी थी भैया सुबह भी कह रहे थे कहाँ कि दीदी आप एक माला पहन के रखा करो आपको सही बताऊं पगड़ी लगाई थी बेसुरी हो गई थी दो मिनट में सुनाई देना बंद हो गया हाँ सत्य में माला पहनी तो थी ऐसा लग रहा था मैं व्यास गादी में घुसी चली जा रही हूँ भार सा लग रहा था गले भैया सम्मान मिलना तो चलो प्रभु की कृपा है पर सम्मान को संभाल पाने वाली भी स्थिति मजबूत चाहिए अभी वो औकात मेरी नहीं है कि मैं इतना सम्मान झेल पाऊँ अभी उस पहुँचने तो दीजिए उस औहदे पर अभी तो ठाकुर की कृपा है जो वो बोल रहे हैं वो कथा चल रही है। मैया को आशीर्वाद मिला माँ गौरी ने कहा नारद जी के कहे गए एक एक वचन सत्य होंगे वैदेही नारद जी ने क्या कहा था पहले ही बताया था हे सीता जी आप जिस दिन एक दिन जब पुष्प वाटिका में जाएंगी दिन बताया जब आप जाएंगी और आपको उस वाटिका में जो कुंवर के दर्शन होंगे जिनके चरणों में आपका मन लग जाएगा वही सांवले सरकार आपको आपके वर के रूप में मिलेंगे। गौरी माँ ने कहा नारद जी का एक एक वचन अक्षरशः सत्य होगा ये मेरा आशीर्वाद है। मैया ने कहा वहां तो दो जन थे एक सांवले थे एक गोरे थे माँ कहीं ऐसा ना हो मैंने सोचा कुछ और हो आपने समझा कुछ और हो जरा मुझे भी समझा दो। मैया गौरी ने कहा मनुजाही राचियो मिली सोबर सहजे सुंदर सांवरो सांवरे वर मिलेंगे गोरे वाले नहीं सांवरे वाले। कल हमने क्या गाया था आखिरी आखिरी में क्या गाया था सखीरी में तो कारे रंग पे वारे जाते हैं। मैया गौरी ने कहा सांवले सरकार आपको अवश्य मिलेंगे। वैदेही जी को आशीर्वाद मिला अपने महल की ओर गए। राम जी भी आए और यहाँ पर राम जी के एक स्वभाव के दर्शन करिए। राम जी ने आकर गुरु जी से वाटिका में जो जो घटना भई सब कुछ स्पष्ट करके बता दिया। गुरु जी आज जब बगीचे में गए जनक जी की लाडली बेटी भी आई हुई थी और गुरु जी आज मैंने उनके दर्शन किए और वो भी मुझे देख रही थी। और क्या चर्चा की होगी मानस में कोई वर्णन नहीं है पर कहा होगा तो क्या कहा होगा शायद यही कहा होगा। जीवन में भैया जितना आप सत्य के साथ रहेंगे आपके सर में दर्द उतना कम रहेगा और जितना झूठ के साथ रहेंगे आप दिन भर टेंशन में रहेंगे। क्यों? आप सोचते रहेंगे कौन सा वाला झूठ किससे बोला था। अब सोचने लगेंगे भैया ये वाला झूठ इससे बोला था कि नहीं बोला था कहीं फलाने से बोला हो और इससे कुछ और बोल दिया तो वो मैचिंग मिलाने में पूरा दिन निकल जाता है।